की भी ट्रेनिंग, उनका भी प्रशिक्षण ठीक से होना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त जगह है। आज उसका शिलान्यास भी करवा दिया। अब हम यही कहेंगे कि 13 अगस्त को 2010 में इसका शिलान्यास हुआ और आज उसका पार्शियल उद्घाटन हो रहा है, फुल नहीं है। अभी फुल होने में भी शायद 6 महीना से साल भर आप लोग लगा दीजिएगा, पता नहीं है 3 महीना पक्का बोल रहे हो, देख लीजिए 3 महीना करिएगा तब पुरस्कृत करेंगे, यह भी बता देते। लेकिन हम तो आपको कह रहे हैं 3 महीना नहीं, आप 6 महीना में काम पूरा कर दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी 6 महीने में भी इसका बाकी काम पूरा कर दीजिए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और उसके बाद जो पुलिस बल के प्रशिक्षण का केंद्र ये बने, यह भी बड़ा तेजी से काम शुरू हो। आज तो आपने शिलान्यास करवा दिया लेकिन अभी तो उसका DPR बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसका कार्यारंभ भी अगर संभव हो तो आपको बनाने का 3 महीना बोल रहा हूं, उसका कार्यारंभ 3 महीना में करा दी, बड़ी मुझको खुशी होगी कि 3 महीने में उसका काम शुरू करवा, इसमें ट्रेनिंग होगी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी रहेंगे, पुलिस बल के लोग रहेंगे, तो ये दो रहेगा तो किसी को डर नहीं लगेगा, सबको लगेगा कि पुलिस अकेडमी है, बगल में CRPF है, कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो इतना ज्यादा फोर्स है यार। तो इस यह भी एक मन में बात, और दूसरी चीज है कि ऐतिहासिक भूमि। अब जरा पीछे से जाकर देखिए, सामने से तो यह बिल्डिंग कैसा सुंदर लग रहा है, कभी कभी आजकल तो हम मजाक में भी कह देते हैं लोगों को, लोग कहता है अरे कैसा बिल्डिंग है, कोई तस्वीर देखा, इधर हाल में तस्वीरें छपी, तो हमने कहा कि कुछ व्हाइट हाउस जैसा दिख रहा है आपको क्या, तो कई लोगों को हाँ ऐसा ही लगता है। तो आप सोच लीजिए ये कैसी बिल्डिंग बन गई, लेकिन आप जरा पीछे से इसको देखिए तो इधर पहाड़, ये दृश्य कैसा लग रहा है। और मैं यहां के लोगों को बधाई देता हूं, इसके लिए 133 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी पड़ी और लोगों का सहयोग मिला, जमीन का अधिग्रहण हुआ, काम में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, 3 साल पहले हम आए थे 2016 के जनवरी में, और केंद्र सरकार का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस काम को लिया था, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे थे। आजकल तो जानते हैं टेंडर में क्या होता है, जब किसी को बड़ा टेंडर कोई ले लेता है तो नीचे फिर और सब टेंडर कर देता है, नीचे किसी को दे देता है, वो भी किसी और नीचे को दे देता है। तो बिल्डिंग कैसा भव्य बनना है और काम करने वाले लोग धीरे धीरे कहां पहुंचा देते हैं, तो ये सारी चीजें थी, काफी विलंब हुआ। उसके बाद फिर इसके लिए लोगों ने जिम्मेवारी संभाली, अंततोगत्वा वो चली गई वो एजेंसी, और इसका काम आप लोगों ने और आगे तेजी से शुरू किया, आज ये बन गया और अब कितना सुंदर बिल्डिंग बन रहा, एक बड़ा हिस्सा बन गया। और हमने इसमें सुझाव दिया कि साहब इतना बड़ा कैंपस है, 133 एकड़ का कैंपस है, और सिर्फ ये DSP की ट्रेनिंग और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए नहीं होना चाहिए, हमारे यहां पुलिस बल की बहुत जरूरत, और हर वर्ष पुलिस के की नियुक्ति का प्रयास हो रहा, हम लोग संख्या बढ़ा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि हम लोग जितना तेजी से संख्या बल बढ़ाना चाहते हैं, बाकी काम तो पुलिस वालों को करना है, आप लोगों को करना है, जितना तेजी से काम करिए